दिस इज प्रियंका, आपका स्वागत करती हूँ आप सबके प्यार के लिए। आप लोग को दिल से धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू करती हूँ और परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके सपने पूरे हों, आप सबके जीवन में खुशी आए, सफलता आए, सुख शांति आए। और आज हम सुनेंगे हमारी एक क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी। ये तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ढेर सारी लाइक करना, क्योंकि ये स्टोरी है स्पेशल पर्सन को अट्रैक्ट करने की। और चैनल को और वीडियोस को उन लोगों को शेयर करें दोस्तों जो आपके जीवन में आपके लिए मायने रखते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि इनमें से कोई एक रेमेडी उनके जीवन को बदल सकती है, उनकी सहायता कर सकती है। तो आज हम बात करते हैं हमारी एक क्लाइंट, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे एनोनिमस रखा जाए, तो इस वजह से हम उनका नाम शेयर नहीं कर रहे हैं। इनकी एज तकरीबन 32 ईयर्स की है दोस्तों, और ऑब्वियसली हमारे यहाँ इंडिया में एक नॉर्मल एज होती है शादी की। सो इनके दिमाग में भी आने लगा था कि मेरी एक नॉर्मल एज तो शादी की निकल गई है, मुझे अच्छे लड़के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तब इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, और एक्चुअली इनका एक स्पेशल पर्सन था जिसे ये पसंद करती थी, और 2 साल पहले उससे इनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन इनके कुछ अपने इशू चल रहे थे जिसकी वजह से इन्होंने उस बंदे को अपनी लाइफ से जाने दिया। 2 साल बीत गए, इनकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान नहीं आया, और इनके साथ के लगभग सभी लोगों की शादी हो गई थी, तो ये अपने आप को अकेला महसूस करती थी। और जब इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, तकरीबन जनवरी में इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, और उस समय बहुत परेशान थी कि मैम मेरी शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो मेरे आसपास के लोग हैं उनकी शादी हो गई, उनको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने इनको समझाया कि इसे तुम एक साइन की तरह भी तो देख सकती हो कि यूनिवर्स तुम्हें ऐसे लोगों से मिला रहा है या दिखा रहा है, क्योंकि तुम्हारी भी शादी होने वाली है और जल्दी ही हो जाएगी। तो क्षितिजा को कॉन्फिडेंस आया, क्षितिजा ने तब सोलमेट अट्रैक्शन प्रोग्राम लिया और उसको फॉलो करने लगी। ये बंदा अभी भी इनके दिमाग में था, लेकिन इस बंदे का कोई नंबर, कोई कॉन्टैक्ट, अता पता इनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन ये सच्चे दिल से सोलमेट अट्रैक्शन प्रोग्राम तो 1 महीना इन्होंने फॉलो किया, उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि ये ऑफिस जा रही थी तो इस वजह से टाइम नहीं दे पा रही थी। तो क्या हुआ दोस्तों, तकरीबन 2 महीने बाद अचानक से उस लड़के का इनको कॉल आता है अननोन नंबर से, और जैसे ही इनकी उससे बात होती है, शी वॉज लाइक शॉक्ड कि कहाँ से ये लड़का अपने आप आउट ऑफ द ब्लू मुझे कॉल कर रहा है। रात को तकरीबन 11 बजे इन दोनों की बात होती है, फिर उन्होंने कहा कि अगले दिन मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। शी वॉज वेरी डेस्परेट, बहुत ज़्यादा डेस्परेट स्टेट में थी, बिल्कुल कि अब आ गया है तो बस पकड़ लो वाली स्थिति थी। लेकिन उससे क्या होता है ना दोस्तों कि वो अगला बंदा उस वाइब्रेशन को सेंस करने लगता है और वो आपसे दूर जाने लगता है। मैंने बताया ना कि लव मैग्नेट में कि आप अपोजिट पोल बनोगे तो क्या होता है, चुंबक एक दूसरे से भागने नहीं लगते, ठीक उसी तरह से। उसके बाद उस बंदे का दोबारा इनको कॉल नहीं आया, तो ये फिर इनको बहुत गुस्सा आया, उसको बहुत उल्टा सीधा कह रही थी, परेशान भी थी। तो फिर उन्होंने मुझे ईमेल किया था, तो मैंने इनको बताया कि क्या आप कोर्स फॉलो कर रही हैं, तो इन्होंने कहा नहीं मैम, मैंने 1 महीना करने के बाद बंद कर दिया। तो मैंने कहा कि क्षितिजा जब तुम कोर्स करोगी नहीं, फॉलो नहीं करोगी, तो तुम्हें रिजल्ट कैसे आएगा। फिर से मैंने इनको कहा कि तुम उसको फॉलो करना शुरू करो, और इन्होंने कोर्स को फॉलो करना शुरू किया दोस्तों। इनको अपने भीतर पॉजिटिव चेंजेस महसूस होने लगे, ज़्यादा सकारात्मक रहने लगी, खुश रहने लगी, अपने काम पर फोकस करने लगी, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने लगी। इसके साथ साथ इन्होंने 2 काम और किए, उस लड़के के नंबर को इन्होंने अपने व्हाट्सएप पर सेव कर लिया और विजुअलाइज करने लगी, क्योंकि जब भी ये व्हाट्सएप खोलती उसका नंबर इनको सामने दिखता, और विजुअलाइज करती ये अपने पास फेक कॉल मैनेजर से अपने आप को खुद को कॉल करती उसके नंबर से कि वो मुझे कॉल कर रहा है, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया है, एंड वी आर इन नाउ लव रिलेशनशिप। तो ऐसा करके ये विजुअलाइज करने लगी, फ़ोन की रिंगटोन बजती रहती थी और आँख बंद करके विजुअलाइज करती रहती थी। और दोस्तों फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद उस बंदे ने इनको फ़ोन किया, उसने कहा कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और अब इनका रिश्ता ट्रैक पर आ गया है। अच्छी ये सक्सेस स्टोरी भेजी, और दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल सक्सेस स्टोरी है। ये हमें बताती है दोस्तों, बार बार ये बात बताती है कि अगर आप चाहो
तो आप अपनी डेस्टिनी का निर्माण कर सकते हो। एक लड़का जिससे 2 साल से कोई कांटेक्ट नहीं था, जिसके बारे में इन्हें कुछ भी अता पता नहीं था कहाँ है कैसे है, वो आउट ऑफ द ब्लू फोन करना, फिर उसके बाद से रिश्ता धीरे धीरे ट्रैक पर आ जाना, ये सब बताते हैं कि हमारी विचारों में कितनी शक्ति है। और अगर हम खुद को परमात्मा से जोड़ दें, दोस्तों मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि परमात्मा को अपने आगे रखो। आधुनिकता के साथ साथ हम एक चीज़ भूल गए हैं और वो चीज़ बहुत गलत है। मैं दोस्तों साउथ इंडिया की तरफ जब गई थी तो मैंने वहाँ पर देखा कि लोग आज भी वो रिचुअल्स जो हमारी संस्कृति ने हमें मंत्र दिए, रेमेडीज़ दी थी, उन रेमेडीज़ को लोग आज भी फॉलो करते हैं। लेकिन उत्तर की साइड में जिधर हम लोग रहते हैं, इधर लोग आधुनिकता की ओर, आधुनिकता अच्छी है लेकिन जो आपकी संस्कृति ने आपको दिया है, जो हमारे पास मंत्र हैं, जो हमारे पास शक्तियां हैं, जो हमारा ज्ञान है, वो हमारी सहायता करेगा। इसलिए दोस्तों याद रखो कि परमात्मा को अपने आगे रखो, खुद को परमात्मा के पीछे रखो। सबसे पहले अपना आनंद शांति परमात्मा से कनेक्ट करो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करो। फिर दोस्तों मैं तुम्हें यकीन से कहती हूँ, ये मेरा नहीं, मेरे हजारों क्लाइंट्स का अनुभव है दोस्तों, कि तुम पैसा, सुख, संपत्ति, सफलता, स्वास्थ्य, एक अच्छा जीवन, एक ऐसा जीवन जो फूलों के बगीचे की तरह महकता है, जहाँ आपके सारे रिश्तों से सुवास आती है, ऐसी जिंदगी बनानी है दोस्तों। और पक्का बनाओगे, भगवान जो आपका इष्ट देव है उन्हें दिल से याद करें, उन्हें आमंत्रण दें, और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं, कैसे आप अपने जीवन को बदलते हैं एक खूबसूरत रंगीन बगिया में। तो ये को इंस्पायर करती है दोस्तों कि जब हम अपनी सोच बदल लेते हैं, जब हमने अपने इमोशंस को बदल लेते हैं, तो हम जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। हमारे लिए सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। सो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्ते।